हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। अगर आप एक रैबिट ओनर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी खरगोश को क्या क्या पसंद है, जिससे आपको अपने खरगोश से बॉन्डिंग करने में और उसे जानने समझने के लिए हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वॉक है चॉक करना, यानी कि सामान को चबाना। खरगोश को ये करना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो हमेशा कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं और ऐसा कर वो अपने दांतों को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि वो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनके दांत बहुत जल्दी बढ़ सकते हैं, क्योंकि रैबिट का दांत ज़िंदगी भर बढ़ता रहता है। और सेकंड जो है वो रैबिट को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है ग्रुप में रहना। रैबिट एक सोशल एनिमल है जो ग्रुप में रहना ही पसंद करते हैं। अगर सिंगल रैबिट है तो उसे खुले में ही रखें, क्योंकि सिंगल रैबिट को डिप्रेशन में जाने के चांस होते हैं। हमें अपने रैबिट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए ताकि वो खुश रहें। और थर्ड जो है वो है खुली जगह में रहना। बनी को खुली जगह में बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्हें बंद जगह रहना पसंद नहीं है। जितनी खुली जगह रैबिट उतना ही खुश रहता है। और फोर्थ जो है वो है पैटिंग करना। फैटिंग करना मतलब अपने बॉडी की मसाज कराना, ये इन्हें बेहद पसंद है, स्पेशली हेड पर, चीक पर और गर्दन के नीचे। पैटिंग करते टाइम ये बहुत ही ज़्यादा शांत और हैप्पी रहते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रहेगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।